नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। ब्रज में हर तरफ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का संगीत सुनाई देता है। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाले पर्व पर हर साल भक्त उपवास रखते हैं और घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और देश भर में मंदिरों को सजाया जाता है। बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग क्यों लगाया जाता है और ये परंपरा कब से शुरू हुई? 56 भोग को लेकर प्रचलित कथा के अनुसार भगवान कृष्ण को माँ यशोदा दिन में 8 बार यानी 8 पहर भोजन कराती थी। एक बार जब ब्रजवासियों से नाराज होकर इंद्र ने घनघोर वर्षा कर दी तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रहे। इस दौरान ब्रज के लोगों पशु पक्षियों ने गोवर्धन के नीचे शरण ली। 7 दिन बाद जब वर्षा समाप्त हो गई तो सभी गोवर्धन के नीचे से बाहर आए। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा था। कृष्ण जी 8 बार भोजन करते थे। ऐसे में माता यशोदा और सभी ने मिलकर 8 पहर के हिसाब से कृष्ण जी के लिए 56 भोग बनाए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। 56 भोग में भक्त अपने अपने हिसाब से चीजें तय करते हैं। आमतौर पर 56 भोग में माखन मिश्री, खीर, बादाम का दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रबड़ी, बठरी, मालपुआ, मूंग दाल का हलवा, पकोड़े, खिचड़ी, बैगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, पूरी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, इलायची, दाल, कढ़ी, घेवर चीला, पापड़ आदि शामिल किए जाते हैं। कुछ भक्त 20 तरह की मिठाई, 16 तरह की नमकीन और 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।